हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आप स्टार्टिंग में पीयू में जो बर्थडे स्टेटस देखा, अब भी कुछ इस प्रकार का बर्थडे स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए, ठीक है। तो गाइस, कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए अलाइन मोशन ऐप की जरूरत है, तो आपके पास अलाइन मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा है, तो वहाँ पर आप लोग को ज्वाइन होकर अलाइन मोशन को डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। चले गाइस, बढ़ते एडिटिंग की तरफ। जाने के पहले आप लोगों के साथ एक छोटा रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलाइन मोशन को मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। फिर आपको दो प्रोजेक्ट को इनपुट करना है, ठीक है, इससे एक इफेक्ट और ये सॉन्ग बीट मार, ठीक है। तो इस दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, तो वहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर एक्सएमएल लिंक है, तो वहाँ पर आपको डाउनलोड करके अलाइन मोशन पे इनपुट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिटमार्क पे टैप कर दिया, तो बिटमार्क पे टैप करते ही आपके सामने कुछ इस पर से लिरिक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने डेट डाल के रखा है, तो डेट को आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैप करके एडिट टेक्स्ट पर जाके आपको यहाँ पर डेट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 30/11/22 रख दिया, यहाँ पर विशिंग यू हैप्पी बर्थडे लिख दिया, तो यहाँ पर आपको इनपुट करने पर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ से बीट दिखाई देगा, तो बीट के हिसाब से आपको फोटो को ऐड करते ही जाना है, ठीक है। तो पहला जो बीट है यहाँ पर आप लोग आ जाना है, पहले यहाँ पर क्लिक करिए, मीडिया पर जाना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर पर आपका फोटो है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस फोल्डर को यहाँ सेलेक्ट कर लूँ, मतलब जो फोल्डर है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारी फोटो मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आपका जो फोटो है मतलब जिसका बर्थडे आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो उसका फोटो यहाँ से ऐड करते ही जाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से एक फोटो यहाँ से चूज करना है, थ्री डॉट पर जाके कंपोजिट एरे करना होगा, ठीक है। फिर इस आइकन पे क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना होगा, फिर इस आइकन पे क्लिक करके जो फोटो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको कट कर देना होगा, ठीक है। फिर से प्लान पे क्लिक करिए, मीडिया पे जाना और एक दूसरी फोटो को सिलेक्ट करना है, थर्ड पे जाके कंपोजिट एरे करना होगा, इस आइकन पे क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाके इस आइकन पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है। गाइस, कुछ इस प्रकार से जितने सारी बीट है सारी बीट में एक एक करके ऐसे फोटो को ऐड करते जाना है। तो ऐसे मैं जल्दी जल्दी फोटो को ऐड कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को अगले पार्ट बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस, कुछ इस पॉट से बीट के हिसाब से मैंने फोटो को ऐड कर लिया, फिर इस फोटो में आपको इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को बैक जाके सेक इफेक्ट पे आ जाना होगा, तो सेक इफेक्ट को यहाँ पर आपको फर्स्ट जो इफेक्ट है इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो पहला जो फोटो है इस पर टैप करना है, इफेक्ट पे आना, थ्रू पे जाके आपको कॉपी पिक कर लेना, ठीक है। तो कॉपी पिक करने के बाद आपको बिटमार्क पे आ जाना है, तो बिटमार्क पे आते ही जहाँ से फोटो स्टार्ट हुआ वहाँ पर आप लोगों को आ जाना है, ठीक है। आ जाने के बाद फर्स्ट जो फोटो है उसमें टैप करना, इफेक्ट पे आना, थ्रू पे जाके आपको पेस्ट पिक कर देना। फिर नेक्स्ट फोटो पर टैप करना, इफेक्ट पे आना, थ्रू पे जाके पेस्ट पिक कर देना। फर्स्ट जो तीन फोटो है, तीन फोटो में आपको एक ही इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो तीन फोटो दिखाई देगा तो इस तीन फोटो को आपको छोड़ देना है, फिर से आपको नेक्स्ट तीन फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो तीन फोटो छोड़ के आपको ये इफेक्ट ऐड करना है। टोटल यहाँ पर 9 फोटो है, तो पहले आपको तीन फोटो में फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, फिर लास्ट तीन फोटो में आपको इफेक्ट 3 ऐड करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से बैक जाके सेकंड इफेक्ट पे आ जाना है, सेकंड इफेक्ट को यहाँ से आप लोगों को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद आपको फिर से बिटमार्क पे आ जाना है, तो बिटमार्क पे आते ही आपको मिडिल जो तीन फोटो है उसमें आपको ये इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, इफेक्ट 2, ठीक है। फर्स्ट जो 3 फोटो है इफेक्ट 1, फिर फर्स्ट सेकेंड जो 3 इफेक्ट है मतलब 3 फोटो है उसमें इफेक्ट 2, फिर लास्ट जो 3 फोटो है उसमें इफेक्ट 1, कुछ इस पर से आपको ऐड करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपका जो वीडियो रेडी हो जाएगा। फिर आपको प्लान पे क्लिक करके एक बॉर्डर को ऐड करना है, तो बॉर्डर को यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिर आपको बॉर्डर को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो बॉर्डर यहाँ पर आपको बॉर्डर का सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से इस बॉर्डर को आपको वीडियो को इन तक कर आ जाना है। ये जो नीचे इस आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके उस बॉर्डर को वीडियो को इन तक कर लेना है, ठीक है। तो आपको जो वीडियो यहाँ पर आपको रेडी हो जाएगा, एक्सपोर्ट करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करिए, वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, गाइस आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।